अस्सलामुअलैकुम डियर सेकेंड ईयर, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में मैं आपको एक रिव्यू लेक्चर दूंगी अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपके बुक का पेज नंबर 155 है, टॉपिक नंबर 14.4 इंड्यूस्ड ईएमएफ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जो कि इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करती है। ठीक है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है जो कि इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करती है। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल उसी तरह से है। बाय फैराडेज लॉ, व्हेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरियंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरियंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जब भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज हो रही हो, कॉन्स्टेंट ना हो, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई कंडक्टर प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर में से क्या हो रहा होता है, आपके पास उस कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है इन अ कंडक्टर एंड दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपके पास दो तरह से जो दो मेथड्स हैं आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवाने के। पहला आपके पास डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है और दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। डायनामिकली देखिए, डायनामिक का मतलब ये है कि आपके पास कोई चीज़ मोशन में होती है, और स्टैटिक का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है। तो इसका मतलब है हम दो तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फर्स्ट कि जब आपके पास कंडक्टर जो है वो मोशन में होता है, ठीक है, और दूसरा जब आपके पास कंडक्टर स्टैटिक होता है या फिर रेस्ट पे होता है। ठीक है, तो डायनेमिकली को देखते हैं हमारे पास इसमें क्या होता है कि व्हेन द कंडक्टर इज मूव, जाहिर है डायनेमिक है कंडक्टर, डायनेमिक का मतलब होता है कि मोशन में है। तो जब भी आपके पास कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा होता है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है आपके पास, तो इसके करीब आप एक कॉयल को लेके आते, तो ये कॉयल लेट से आपका कंडक्टर है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट है ये तो अपनी जगह पर स्टेशनरी है, लेकिन इस कॉयल को हम इसके करीब या फिर दूर लेकर जाते हैं। इसके करीब लेकर आते हैं, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इससे दूर लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो बार बार जो है वो हम लोग इसको इसकी पोजिशन चेंज कर रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं, हालाँकि बार मैग्नेट अपनी जगह पे स्टेशनरी है। हम किसको मूव करवा रहे हैं, हम इस कंडक्टर को या इस कॉयल को मूव करवा रहे हैं जिसमें से हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करवानी है। ठीक है, तो हम इस कॉयल को मूव करवा रहे हैं ना, इस कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होगी और कंडक्टर मूव कर रहा होगा तो ऐसी इंड्यूस्ड ईएमएफ जब प्रोड्यूस होगी तो वो क्या कहलाएगी, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से है कि आपके पास व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट द फ्लक्स लिंकेज इट चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस वे इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बिल्कुल इसी तरह से है। स्टैटिकली का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है। अब देखिए आपके पास ये जो कॉयल है ये रेस्ट में होगी, मूव करने वाली क्या चीज़ होगी, ये बार मैग्नेट। कॉयल रेस्ट में होगी, सिर्फ बार मैग्नेट क्या करेगा, मूव करेगा। अभी हमने कंडक्टर को नहीं छेड़ना, कंडक्टर को अपनी जगह पर रखना है। इस बार मैग्नेट को हम आगे या पीछे मूव करवाएंगे। जैसे ही हम इस कॉयल के करीब लेकर आएंगे तो क्या होगा आपके पास कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जैसे हम इस कॉयल से दूर लेके जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कॉयल को स्टेशनरी रखते हैं, बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो इस तरह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग, ठीक है, कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग और चेंजिंग, देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस वे इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आपके पास हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है और उसकी कौन सी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है और दूसरा हमारे पास डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पढ़ लिया, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमारे पास आगे फर्दर जो है जो टाइप आती है वो मोशनल ईएमएफ आती है। ठीक है, ये जो मोशनल ईएमएफ है ये इसकी टाइप है, ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की टाइप है।
अब देखें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन ऑर्डर टू स्टडी द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डिटेल, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक कंडक्टर कंसिडर करना है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, कंडक्टर हमने कंसिडर किया, ये कंडक्टर एम एन कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये कंडक्टर हमने कंसिडर किया और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस आपको नज़र आ रहा है, इन टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर की है। एम एन कंडक्टर को हमने इसमें प्लेस किया है और ये पी और क्यू आपके पास दो आयरन रेलिंग्स हैं। आयरन रेलिंग्स का मतलब है कि ये ऐसी आपके पास जो है वो कंडक्टर ऐसी आपके पास ये जो हैं वो मटेरियल्स हैं कि जिनके ऊपर ये जो कंडक्टर है ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है। ये कंडक्टर है और ये जो दो रेलिंग्स हैं इनके ऊपर ये जो कंडक्टर है हमारा ये क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, ठीक है। एम एन आपके पास कंडक्टर है, ये जो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है ये इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं आपको ये एक जो है वो आपको रिव्यू लेक्चर दे रही हूँ। अब देखिए हमने करना क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये एम एन कंडक्टर है, हमने क्या करना है, इस एम एन कंडक्टर को जो है वो हमने मूव करवाना है लेफ्ट साइड पर। ये देखिए वी नज़र आ रहा है ना, वी वेलोसिटी पे हमने इसको लेफ्ट साइड पर मूव करवाना है, ठीक है। अब आप देखिए तो इस एम एन कंडक्टर में चार्जेस होंगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे और बहुत सारे ये इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। जैसे ही ये कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको मूव करवाएंगे, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था फोर्स होना करंट कैरियंग कंडक्टर, कि जब भी हम किसी करंट कैरियंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है और फोर्स की अमाउंट होती है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब होगा इस तरह से आपके पास स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्स है आपके पास जैसे ही लगेगी, आपके पास यहाँ पर कुछ चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। और हमेशा हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जाहरी सी बात है जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल होगी, हमारे पास ये इक्वल होगी क्यू ई क्यू के इक्वल होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक सिचुएशन आएगी जिसमें हमारे पास ये क्यू ई और क्यू वी बी जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, तो जो फोर्स हमारे पास लगेगी वो हमारे पास लगेगी एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल के इक्वल, ठीक है। अब देखिए आपके पास रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन को हम कहते हैं पावर, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। अब देखिए हमारे पास जो पावर होती है, हम आप पहले से पढ़ते आ चुके हैं, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी होती है और डब्ल्यू हम कहते हैं वर्क डन और ये हमारे पास इक्वल होता है एफ डॉट एस के, ठीक है। डब्ल्यू की जगह एफ डॉट एस लिखें डिवाइडेड बाई टी। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ इंटू एस डिवाइडेड बाई टी, एस डिवाइडेड बाई टी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये पावर का फार्मूला है, तो यहाँ पर भी इसने पावर का फार्मूला लिखा है, रेट ऑफ वर्क डन इज एफ वी विच इज इक्वल टू बी आई एल इंटू वी। देखिए सिंपली क्या किया है हमने, ये एफ वी था, ठीक है, और एफ की जगह हमने फोर्स लगा दिए जो कि लग रही है कंडक्टर पे बी आई एल, ठीक है, बी आई एल, और वी को हमने बिल्कुल उसी तरह से साथ में लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एट द सेम टाइम ये जो एफ वी है ये इक्वल है हमारे पास ई आई के, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो हमने क्या करना है, हमने ये एफ वी हमारे पास इक्वल है ई आई के, हमने क्या करना है यहाँ पर एफ वी की जगह ई आई पुट कर देना है, तो ई आई हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा बी आई एल वी के, आई आई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ई किसके इक्वल हो जाएगा बी एल वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी जो है वो फाइनल इक्वेशन है। इसके साथ हमारा एग्जांपल प्रॉब्लम भी आता है, बिल्कुल इसी तरह से यही फॉर्मूला इस पर लगेगा, आपके पास बी वी एल यूज़ होगा, वी इज़ द वेलोसिटी, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है, और इस तरह से आपने इस एग्जांपल को भी सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसके साथ आपने जो है वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ की जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने सॉल्व करना है। यही टॉपिक्स आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये आपके पास डिफरेंट तरह से आ सकता है एग्जाम्स में, लाइक आपके पास मोशनल ईएमएफ एज अ टॉपिक भी आ सकता है, नोट के तौर पर भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन मोशनल ईएमएफ, इसके अलावा लिखा हुआ आ सकता है, प्रूव दैट